हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते का पातोड़। इसे आप एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे तो कभी भी आपके गले में इचिंग नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पातोड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ सारे अरबी के पत्ते को धो लिया है। अब इसके हम डंडी को काट देंगे। डंडी को इसलिए काटा जाता है कि इसे फोल्ड करने में आसानी होती है। तो इस तरह से आप सारे पत्ते के डंडी को काट लें। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए मैंने सारे पत्ते के डंडी को काट लिया है। अब हम फ्रेंड एक एक पत्ते को हल्के हल्के हाथों से बेलने से इस तरह से बेल लेंगे ताकि फोल्ड करने के टाइम में पत्ते हमारे सीधे रहें। इस तरह से पूरे बेलने से बेल लेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्के हल्के हाथों से बेल लें तो हमारे पत्ते क्या जब फोल्ड करेंगे तो क्या पूरे सीधे रहेंगे। तो इस तरह से सारे पत्तों को बेल लें। सारे पत्ते को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब हम एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हम बेसन का बनाएंगे, आप चाहे तो दाल का भी बना सकते हैं, चने की दाल का। तो यहाँ पे एक कप बेसन डालेंगे। तो इसमें आप कुछ सूखे मसाले मिला लेते हैं। तो इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून मिर्च डालेंगे और साथ में ही नमक थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इन सबको पानी डाल के एक बैटर तैयार करेंगे, वो भी लम्स फ्री बैटर। बैटर थोड़ा ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, इस तरह से बनाएंगे। ज़्यादा पतला होगा तो हमारे अरबी के पत्ते से निकल जाएगा, इसलिए इस तरह से बनाएंगे कि आराम से उस पर लग जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स बैटर तैयार है। अब हम अरबी के पत्ते पे इसे अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से एक पत्ता मैंने रख लिया है और इसके ऊपर इस तरह से बैटर फैला देंगे। पत्ते को हमेशा उल्टे भाग में ही लगाएं और एक पत्ता सीधा लगाएं और एक पत्ता उल्टा लगाएं। इस तरह से हम अरबी का पातोड़ या मछली बनाते हैं। और इस पे दूसरे वाले पत्ते पे भी इसी तरह से बैटर हमारा अप्लाई कर दें, ये देखिए इस तरह से। फिर एक पत्ता इस तरह से रख दें। आप चाहे तो 4-6 जितनी मोटाई का आप चाहे बना सकते हैं इसे। इस तरह से सारे पत्ते पे फैलाते जाएं। फिर एक पत्ता मैंने लगा दिया, फिर इस पे बैटर लगा देंगे। तो बैटर हमने पूरी तरह से लगा दिया। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाए, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लें। अगर फोल्ड ना हो तो बैटर लगा दें और इस तरह से भी फोल्ड कर लें और इधर से भी, और हल्का सा बेसन लगाते हुए इस तरह से इसे रोल कर दें। बहुत ही इजीली ये रोल हो जाता है। और अगर ये रोल ना हो तो बस वही बैटर लगाते जाए और ये अपने आप चिपकता चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक रोल कम्प्लीट हो गया। अब हम दूसरा बना लेते हैं। इस तरह से दूसरा बिछा दिया और इस पे भी बैटर लगा देंगे। इस तरह से हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है। अब इसे हम स्टीम कर लेते हैं। बैटर बच जाए तो इसको इस तरह से लगा दें। अब इसे हम स्टीम कर लेते हैं। एक जालीदार प्लेट या बर्तन इस तरह से ले लें और इसमें ऑयल ग्रीस कर दें। इसी के ऊपर हम रखेंगे अपने पातोड़ को स्टीम होने के लिए और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। यहाँ मैंने एक पतीले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी को हम बॉयल होने देते हैं। पानी में हमारा बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इस जाली वाले बर्तन को जिसमें मैंने पातोड़ डाला उस पर हम रख देंगे और स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद देखते हैं 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि तैयार हो गया, लेकिन हम इसे नाइफ से टेस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल नाइफ सूखा निकला, मतलब ये तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद कटिंग करेंगे। अब इसे निकाल के हम एक अलग साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो हमारा पातोड़ ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मीडियम साइज में कट कर लेते हैं। अब इन सबको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में सरसों ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसमें फ्राई करेंगे हम।
तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें एक एक करके पातोर को फ्राई कर लेते हैं गोल्डन कलर आने तक, अलट पलट के। अलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड इसे मैंने अलट पलट करके फ्राई कर लिया और ये गोल्डन कलर का आ चुका। अभी इसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं और फिर ठीक इसी तरह दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पातोर बनके तैयार है, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिए कि इसे जब भी बनाए इसमें खट्टा ज़रूर यूज़ करें, चाहे नींबू का रस हो, चाहे आमचूर हो, या फिर अचार का मसाला हो, या फिर उसका तेल हो। तो तो फ्रेंड्स आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।